शुरू हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई और लेक्चर नंबर 4। हमने रिप्रोडक्शन एंड फंजाई को स्टार्ट किया था और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना है फंगस के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस के अंदर जो होती है वो है हाईली वेरिएबल। फंजाई के अंदर हाईली वेरिएबल्स यानी डिफरेंट मेथड की है, लेकिन कुछ चीजें तमाम फंजाई के ग्रुप के अंदर कॉमन रहती हैं। उनमें एक प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और दूसरी है मियोसिस। अब हम ये देखते हैं कि प्लाज्मोगैमी किसे कहते हैं और कैरियोगैमी किसे कहते हैं। प्लाज्मोगैमी कहते हैं फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को और कैरियोगैमी कहते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को। द हेफी ऑफ द टू जेनेटिकली डिफरेंट बट कंपेटिबल मेटिंग टाइप्स कम टूगेदर। इस बात को अंडरस्टैंड करें, इसमें सेक्स डिस्टिंक्शंस नहीं होती, यानी मेल फीमेल नहीं होता। एक ही स्पीसीज के अंदर जो होता है वो दो ऐसे हेफी बन जाते हैं मियोसिस के नतीजे में। जब स्पोर बनते हैं तो उसके बाद स्पोर में जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, तो वो जेनेटिक वेरिएशन वाले जो हाइफी होते हैं वो दो डिफरेंट काइंड के होते हैं। उनमें जेनेटिकली डिफरेंस होता है और आपस में मिलने के लिए वो कंपेटिबल भी होते हैं, मुताबकत भी रखते हैं। तो इस तरीके से वो आपस में मिलने के बाद क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। सेकेंड न्यूक्लियस फ्यूज होता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैरियोगैमी कहते हैं। ये दो डिफरेंट स्ट्रेन के आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के जो फंगस हैं उनकी एक को हमने पॉजिटिव स्ट्रेन के साथ शो किया है और एक को नेगेटिव स्ट्रेन के साथ शो किया है। तो इनके अंदर ये छोटे डॉट्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके साइटोप्लाज्म को, और जो बड़े ये सर्कल दिखाए गए हैं ये इनके न्यूक्लियस के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि इनका माइग्रेट क्या करता है, इकट्ठे क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, इनका साइटोप्लाज्म होता है, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। बाद में इनके न्यूक्लियाई जो हैं दो डिफरेंट स्ट्रैंड के पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपस में आके क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, कैरियोगैमी कहते हैं। और इसके फौरन बाद क्या होता है, फिर मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। एक फेज ये भी आती है जिसको हम डाइक्रियोटिक फेज कहते हैं या डाइक्रियोटिक हाइफा या हाइफी कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म तो हो गया लेकिन जो न्यूक्लियाई है वो आपस में एक्सचेंज तो हो जाते हैं लेकिन वो हाइफी के अंदर विद आउट फ्यूजन जो होते हैं वो पड़े रहते हैं। और हर फंगस ग्रुप के अंदर ये डिफरेंट टाइम लेता है, लेकिन जो दो ग्रुप हैं फंगस के, खासकर एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीट्स, या इनके डेवियन एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा के अंदर जो है बड़ी लेंथी डाइक्रियोटिक फेज होती है, लेकिन जाइगोमाइकोटा के अंदर ये इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोगैमी के बाद फौरन बाद क्या हो जाती है, कैरियोगैमी हो जाती है। यहां न्यूक्लियस देखें दो डिफरेंट स्ट्रेन के, पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव वाले भी, यहां ट्रांसफर तो हो गए हैं, आगे वो क्या होते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, बट वो फ्यूज नहीं हो रहे। जैसे ही वो फ्यूज होंगे उस जगह पे फौरन क्या स्टार्ट हो जाएगी, मियोसिस स्टार्ट हो गई। तो मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूं आपके सामने कि जाइगोमाइकोटा के अंदर प्लाज्मोगैमी के फौरन बाद क्या हो जाती है, कैरियोगैमी हो जाती है, लेकिन एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा के अंदर ये डाइक्रियोटिक फेज काफी लेंथी फेज कंसीडर होती है।
कि दो न्यूक्लियाई एक ही हाइफा के अंदर विदाउट फ्यूजन काफी टाइम स्पेंड करते हैं। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम लोग, डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं या हेटरोकैरियोटिक फिनोमिना भी कहते हैं। लास्ट ग्रुप जो है फंगस का, वो उसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, डिट्यूरोमाइकोटा। इसके अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है, तो इस वजह से ये चीज वहां पे मौजूद नहीं होती। इसके बाद मियोसिस और जो सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, व्हेन मियोसिस अकर इन द जायगोट, डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंजाई प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। और बेसिडिया है और वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर डिवेलप करता है, बेसिडियो कार्प हम उसकी फ्रूटिंग बॉडीज को कहते हैं। एस्की है तो उसकी फ्रूटिंग बॉडी जो है वो एस्कोमाइकोटा के अंदर एस्कोकार्प हम कहते हैं। अगर आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के दरख्त आपको दिखाए जाएं और उनपे फ्रूट ना लगे हुए हों, तो आपको बहुत मुश्किल होगा उसको पहचानना कि ये कौन सा दरख्त है, ये कौन सा दरख्त है। हाँ, जिन लोगों ने पहले अगर देखे हुए हों या जो लोग एक्सपर्ट होते हैं तो वो फौरन पहचान लेते हैं। अगर ये हो कि जी उसके ऊपर फ्रूट लगा हुआ है, कार्प का मतलब होता है फ्रूट, फर्ज करें एप्पल का फ्रूट है, तो फौरन आप पहचान लेंगे जी ये एप्पल का ट्री है, ये मैंगो का है जी, ये जो है वो आड़ू का है। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि जी इन फंगस के ग्रुप के अंदर इनकी फ्रूटिंग बॉडी कौन सी है। अगर बेसिडिया है तो साफ जाहिर है बेसिडियो माइकोटा के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसे क्या कहते हैं, बेसिडियो कार्प। इसे क्लब फंजाई भी कहते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को लैटिन में क्या कहते हैं, क्लब शेप स्ट्रक्चर। और एस्की जो होता है वो सैकलाइक यानी वन ओपनिंग होती है और एक उसकी साइड जो होती है वो क्लोज होती है। अब यहां पे देखें कि स्पोर जो है मियोसिस के नतीजे में बने हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। ये सूटेबल जगह पे जाएंगे, हाइफी बनेंगे। हाइफी आपस में क्या करेंगे, कंपेटिबल हाइफी जो है वो गैमिटेंजिया बना के या उनके अंदर जो गेमेट्स होंगे वो मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके अंदर जो होगा वो प्लाज्मोगेमी होगा और उसके बाद क्या होता है कि डाइक्रियोटिक फेज होती है और डाइक्रियोटिक फेज कंप्लीट करने के बाद ये दोबारा क्या करते हैं, आपस में इनके न्यूक्लियाई मिलते हैं तो ये डिप्लॉइड फॉर्म में आ जाते हैं, जायगोट बन जाता है। फिर फौरन ही जायगोट के क्या हो जाता है, मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और फंगस के अंदर इस तरीके से ये जो ग्रुप है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर ये जो साइकिल होता है इनका चलता रहता है। जाइगोमाइकोटा के अंदर इमीडिएटली प्लाज्मोगेमी के बाद क्या हो जाती है, कैरियोगेमी हो जाती है, लेकिन एस्को और बेसिडियोमाइकोटा के अंदर लेंथी डाइक्रियोटिक फेज होती है और इम्परफेक्ट फंजाई के अंदर ये चीज मौजूद नहीं होती। तो बेटा पहला ग्रुप हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं जाइगोमाइकोटा, डेवियन जाइगोमाइकोटा, और ग्रुप है जाइगोमाइसीड्स। इसको कंजुगेट फंजाई भी हम कहते हैं, कंजुगेशन, कंजुगेट फंजाई। डेवियन जाइगोमाइकोटा, जाइगोमाइसीड्स ग्रुप, कंजुगेटिंग फंजाई। इसमें ये देखें कि ये रेजाइड्स हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये स्पोरेंजियोफोर है उस जगह पे ये ग्रो कर रहा है सबस्ट्रेटम के ऊपर। और बेसिकली जो लाइफ साइकिल ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये लाइफ साइकिल है राइजोपस का, जिसे हम कहते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ये टिपिकल एक मेंबर उसका लिया गया है जाइगोमाइकोटा का। और ये स्पोरेंजियोफोर वो ब्रांच जिसपे क्या लगा होता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जब मैच्योर हो जाता है तो ये क्या कर जाता है, वहां से फट जाता है। अब डेफिनेट बात है कि जब ये स्पोर बने थे तो जब जाइगोट जर्मिनेट कर रहा था तो इसी दौरान क्या हुआ था, मियोसिस हुई थी। तो मियोसिस की वजह से यहां स्पोर के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आ गई हैं। स्पोर हैप्लॉइड तो जरूर हैं लेकिन यहां दो डिफरेंट काइंड के स्पोर बन गए हैं। एक को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है यहां रेड पॉइंटर के साथ और दूसरे को ग्रीन के साथ कर दी है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव स्ट्रेन वाले हैं और दूसरे को हमने डिक्लेयर कर दिया है ये नेगेटिव स्ट्रेन वाले हैं। ये वेरिएशन कहां आई है, ये मियोसिस के दरमियान जो क्रॉसिंग ओवर हुई है उसके दरमियान ये वेरिएशन की वजह से जेनेटिक
लेकिन ये डिफरेंट हो गए हैं स्पोर और उन्होंने दो डिफरेंट टाइप के हाइफी जो है वो प्रोड्यूस कर दिए। लेकिन इनको कहते क्या है, ये कंपेटिबल हाइफी है। इनके हाइफी क्या करेंगे, यहां पे आपस में फ्यूज होंगे। ये देखें पॉजिटिव और नेगेटिव हाइफी जो है ये फ्यूज हो गए हैं यहां पर, और फ्यूज होने के बाद जो है ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम क्या कहते हैं, गैमेटेंजिया कहते हैं। गैमी का मतलब होता है मिलना और टेंजिया का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बर्तन, एक ऐसी स्ट्रक्चर जहां दो डिफरेंट न्यूक्लियाई आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। या दूसरे अल्फाज में इसको यूं भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि गैमेटेंजिया आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैविंग द न्यूक्लियाई ऑफ टू डिफरेंट मेटिंग टाइप। तो दो डिफरेंट मेटिंग टाइप के न्यूक्लियाई जो हैं यहां पे क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बाद जब ये मर्ज करते हैं, मर्ज करने के बाद तो फौरन टेम्परेरी तौर पे थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्पोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जाइगोस्पोर कहते हैं। और इसी के बेस पे हमने इस डेवियन का नाम भी रखा था, जाइगोमाइकोटा। यह इस ग्रुप का क्या नाम देते हैं, जाइगोमाइसीट्स। अब यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुई थी, प्लाज्मोगैमी हुई, उसके बाद यहां पे उनके न्यूक्लियाई मिले, कैरियोगैमी हुई। कैरियोगैमी के फौरन बाद जो जाइगोस्पोर्स है, जैसे ही जर्मिनेट करता है तो उसके अंदर क्या हो जाती है, मियोसिस हो जाती है। तो प्रीवियसली बातों के अंदर भी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने यही बात की थी कि जाइगोमाइकोटा जो डेवियन है उसके अंदर प्लाज्मोगैमी के फौरन बाद क्या हो जाती है, कैरियोगैमी, और उसके बाद क्या हो जाती है, मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। अब मियोसिस की वजह से यहां जेनेटिक वेरिएशंस आ गई हैं। जेनेटिक वेरिएशन आएंगी तो इस स्पोरेंजियम के अंदर दो डिफरेंट काइंड के स्पोर बनेंगे, और वही स्पोर क्या होंगे, फिर दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के क्या कर देंगे, हाइफी जनरेट करेंगे। ये हाइफी दोबारा मिलेंगे, फिर वही गैमेटेंजिया, जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर जर्मिनेट, मियोसिस, और ये साइकिल जो होगा वो चलता रहेगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देते हैं कि राइजोपस ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, और ब्रेड के ऊपर ये ग्रो कर जाता है, और जब इसके स्पोर मैच्योर होते हैं तो ये ब्लैक कलर में हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्टली बाय द फ्यून ऑफ हाइफी, थिक वॉल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनती है जिसको क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर में मियोसिस होती है, व्हेन जाइगोस्पोर जर्मिनेट हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं और जर्मिनेट कर जाते हैं न्यू माइसीलियम के अंदर, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो डायरेक्टली स्पोर के थ्रू होती है। यहां से जो स्पोर बने हैं ये डायरेक्टली दोबारा जर्मिनेट करके क्या कर दें, ये इस तरीके से फिर एक हाइफी जो है वो जनरेट कर दें। अब इस हाइफी जो होते हैं इसके वो क्वाइनोसाइटिक हैं, और ये ग्रो करते हैं स्पॉइलिंग माइस ब्रेड के ऊपर, फ्रूट के ऊपर ग्रो करते हैं, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसे ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है और काफी दफा एग्जाम में आ चुका है। डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोबस भी आ सकता है, या राइट अ नोट ऑन जाइगोमाइकोटा या ग्रुप जाइगोमाइसीट्स के ऊपर नोट आ सकता है। कांजुगेटिंग फंजाई इस वजह से कहा था कि ये दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी आपस में क्या करते हैं, यहां पे पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग का लफ्जी मतलब क्या होता है, कांजुगेट बनाना, दो डिफरेंट जेनेटिकली आपस में हाइफी जब मिलेंगे तो ये पेयरिंग करेंगे। इस वजह से इस फंगस को क्या नाम दिया हमने, कांजुगेटिंग फंगस का नाम दिया है। चलें अगले ग्रुप को हम स्टडी करते हैं, जाइगोमाइसीट्स हमने पढ़ लिया है, एस्कोमाइसीट्स, डेवियन एस्कोमाइकोटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्रुप है फंगस का, और बड़ी डाइवर्सिटी है इस ग्रुप के अंदर। तो इसके कैरेक्टर्स को देखें आप लोग कि इसमें एक तो पहली बात यह है कि इसको हम कहते हैं जी सैक फंगस, क्योंकि इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एस की वो सैक लाइक होती है। इसके बेस पे हमने इसके क्या क्या नाम दे दिया, सैक फंजाई का नाम दे दिया। लार्जेस्ट ग्रुप है, 60,000 के करीब स्पीसीज है, 50% के करीब इसके जो मेंबर्स हैं वो लाइकन एसोसिएशन के साथ रिलेट करते हैं, और
माइकोराइजल एसोसिएशन के साथ भी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है एमसीक्यूज के हवाले से जो है ना। इसके बाद मैंने शुरू में बता दिया कि बड़ी डाइवर्सिटी है, बड़ी वैरायटी है कि इससे यूनिसेलुलर से लेकर बड़े बड़े लार्ज फंगस यानी लार्ज कप फंजाई मोरेल्स वगैरह ये सारे फंगस जो है वो इसके अंदर क्या करते हैं इसी ग्रुप में पाए जाते हैं। हैबिटेट ये टेरिस्टियल भी है और इक्वेटिक भी है। इक्वेटिक दोनों एनवायरमेंट में पाया जाता है, मेरीन में भी और फ्रेश वाटर के अंदर भी। इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो हाइफी इसका सेप्टेट होता है और वही बात दोबारा आ गई कि इसके अंदर बड़ी लेंथी डाइक्रियोटिक फेस होती है। ये स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं कि ये आपको नजर आ रहा है एस्की और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या है ये इसको स्पोर नजर आ रहे हैं और ये पूरी स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये एस्की प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग एस्को कार्प कहते हैं। ये इस तरह कप शेप जो स्ट्रक्चर है ये कप लाइक फंजाई के अंदर ये देख रहे हैं आप लोग एस्को कार्प। इसके अंदर ये एस्की होते हैं और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं एस्को स्पोर्स पाए जाते हैं। इसमें आठ एस्कोस्पोर यूजली तौर पे पाए जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये एमसीक्यूज में दिया जा सकता है। ये एस्कस ठीक है जी सिंगुलर और ये इसके अंदर ये स्पोर्स हैं एस्कोस्पोर्स और ग्रुप पूरे को क्या कहेंगे एस्की कहेंगे। ये सारे एस्की कहां प्रेजेंट होते हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर जिसको क्या कहते हैं हम लोग एस्को कार्प कहते हैं ठीक है जी। बड़ी वेरिएशन है एस्को कार्प की जो होती है मुख्तलिफ किस्म की शक्लें होती हैं इस ग्रुप के अंदर पाई जाती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कुनिडिया करते हैं और डिस्पर्स होती है बाय विंड। ये देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुनिडिया आपको नजर आ रहे हैं और कुनिडिया जब मैच्योर होते हैं तो ये नेकेड होते हैं और उसके बाद चेन ऑफ सेल्स होते हैं क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। तो विंड के जरिए से जो ऊपर वाले मैच्योर होते हैं ये पहले डिस्पर्स करते हैं। ये कुनिडिया जैसे ही सूटेबल जगह पे जाएगा फिर दोबारा जर्मिनेट करके क्या कर देगा एक न्यू हैफी बना देगा और इस तरीके से एक साइकिल चलता रहेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से और सेक्सुअली जो होगा ये एस्को स्पोर बनाएगा। इसके बाद हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस बाय मियोसिस एस्को स्पोर्स इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कार्ड एस्की और जिसके सिंगुलर को क्या कहते हैं एस्कस बोलते हैं। हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर बनते हैं कॉमनली एट एस्को स्पोर बनते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जी मियोसिस से तो चार बनने चाहिए लेकिन यहां बात जो है वो आठ की लिखी हुई है। तो बनते बेसिकली चार ही है लेकिन वो माइटोसिस करके फिर कितने में कन्वर्ट हो जाते हैं आठ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से मियोसिस के नतीजे में चार बनेंगे फिर माइटोसिस करके कितने स्पोर बन जाते हैं एट स्पोर बन जाते हैं। तो इस लाइन को बड़े इंपॉर्टेंट है कि एक एस्कस के अंदर कितने कॉमनली एस्को स्पोर पाए जाते हैं तो वो एट है। मोस्ट सैक फंजाई हैव एस्की इनसाइड माइक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडीज यानी ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है या बड़े बड़े फंगस के अंदर ये जो उसकी स्ट्रक्चर होती है इसको कार्प ये विजिबल होती है इसको देख सकते हैं इसको कार्प ये फ्रूटिंग बॉडी है। इसके अंदर क्या होता है एस्की जो होते हैं वो पाए जाते हैं और उनके अंदर क्या होता है एस्को स्पोर्स होता है। इन मोरेल्स के अंदर ईच एस्को स्पोर गेव राइज टू अ न्यू माइसीलियम के अंदर वो क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। यीस्ट यूनिसेलुलर्स है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी एफिनिटीज इसकी रिलेशंस को देखें ताल्लुक को देखें तो यीस्ट आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई माइक्रोस्कोप से सिर्फ देख सकते हैं डिराइव फ्रॉम ऑल द थ्री डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंजाई। इसका मतलब यह है कि इसके कैरेक्टर तमाम फंगस के जो दूसरे ग्रुप हैं उनके साथ मिलते जुलते हैं यानी जैगो के साथ भी मिलते हैं बेसिडियो के साथ भी मिलते हैं एस्को के साथ भी मिलते हैं लेकिन ज्यादा कैरेक्टर इसके किसके साथ मिलते हैं इस ग्रुप के साथ मिलते हैं जिसका नाम क्या है एस्कोमाइसीट्स है। तो यीस्ट रिप्रोड्यूस मोस्टली एसेक्सुअली करता है बाय बडिंग। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप इसको क्या कर चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यीस्ट रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली बाय फार्मिंग ऑफ एस्की, एस्कोस्पोर बनते हैं, या जो बेसिडिया से रिलेट करने वाला होगा वहां बेसिडिया बनेंगे और बेसिडियोस्पोर्स के जरिए से अपनी क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जो है यीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स है और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिसको हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस के अंदर हमने क्या करना है, रीड करना है। आई होप कि बेटा आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दें, खुदा हाफिज़।